नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अग्रहल टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मौसम विभाग ने आज केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 20 से 22 जुलाई के बीच तेज बारिश होने की संभावना है। संसद का मॉनसून सत्र अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने 1934 के विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इजरायली की राजधानी तेल अवीव में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास हुआ भीषण कार बम विस्फोट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद आसमान में ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। आरक्षण की आग धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश को अपने चपेट में ले रही है। एक दिन पहले जिस चैनल पर आकर बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने लोगों से शांत रहने की अपील की थी, उसी को स्टूडेंट्स के ने आग के हवाले कर दिया। छात्रों के विरोध प्रदर्शन की राजधानी ढाका तथा अन्य जगहों पर हिंसा भड़कने से 39 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3000 के करीब लोग घायल हो गए हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है। ऐसे में करदाताओं को ई फाइलिंग को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के कारण करदाताओं ने 31 जुलाई की डेडलाइन डेट को आगे बढ़ाने की मांग की है। वहीं आयकर विभाग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस समस्या को सुलझाने को लेकर काम कर रहे हैं। हालांकि ITR फाइलिंग की डेडलाइन डेट एक्सटेंड को लेकर कोई भी घोषणा अब तक नहीं की है। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन कर लौट रहे 5 युवकों ने रास्ते में शराब पी और उनमें से एक ने स्कॉर्पियो के चालक से चाबी छीनकर उसे जबरन पीछे की सीट पर बैठा दिया। इसके बाद बारिश के बीच आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया। उन्नाव के भांगरमऊ के फतेहपुर खालसा गांव के सामने आगे चल रहे कंटेनर में टकराने के बाद कई बार पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 6 लोगों में से 5 की मौत। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस वित्त वर्ष 2025 के लिए करीब 15,000 से 20,000 फ्रेशर की नियुक्ति करेंगे। इसी के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS वित्त वर्ष 2025 में लगभग 40,000 फ्रेशर्स को नियुक्त करेगी। आज से श्रीलंका में महिला क्रिकेट एशिया कप की शुरुआत हो रही है, जिसमें पहले दिन आज भारत और पाकिस्तान के बीच रंगिरी दम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर है, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी निदा डार है। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन लोगों ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत फ्लैट बुक किया है और अभी तक उन्हें कब्जा नहीं मिला है, ऐसे मामलों में घर खरीदारों के खिलाफ को सर्विस एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में घर खरीदारों को EMI के पेमेंट या चेक बाउंस जैसे मामलों में ना तो बिल्डर परेशान कर सकते हैं, ना ही बैंक उन्हें परेशान कर सकते। 20 और 21 जुलाई 2 दिन लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी और RSS की एक अहम बैठक होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह अरुण कुमार बैठक लेंगे। इसमें सरकार और संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जिनमें CM योगी, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, BJP UP चीफ भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल शामिल हैं। इसी तरह अग्रहल टाइम्स से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।